सब्सक्राइब कीजिए मास्टर भाई चैनल को और बेल के निशान पर क्लिक कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूँ अब्दुल्ला, मास्टर भाई चैनल में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम काइन मास्टर में एडिटिंग सीखेंगे कि किस तरह आप ये मुख्तलिफ स्टाइल के जो लिखाई है वो आप बना सकेंगे। तो चलो शुरू कर देते हैं और सीख लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले पिक्चर आर्ट वाली एप्लीकेशन को खोल लें, प्लस निशानों को फिर क्लिक कर लें। प्लस निशान को क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है। ये बैकग्राउंड आ चुकी है, आपने यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर ब्लैक वाली बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है। ब्लैक वाले बैकग्राउंड को क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, जो भी आपने लिखना है वो लिख दें। मैं यहाँ पर मास्टर भाई लिख देता हूँ और फिर जो ऊपर कोने में निशान है इस पर क्लिक करना है। दोबारा इस निशान पर क्लिक करना है और इस तीर निशान को दबाना है। इसके बाद आपने नीचे आना है और इसको सेव करना है और दूसरा जो सेव लिखा है इस पर भी क्लिक करना है और ऊपर फिर डन करना है। डन करने के बाद आपने बैकग्राउंड इरेजर वाली एप्लीकेशन को ओपन करना है, अगर आपके पास नहीं तो इसको इंस्टॉल कर लें। तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखा है लोड अपटू, तो आपने जो पिक्चर आर्ट में मास्टर भाई वाला जो लिखाई थी वो सेव की थी, तो इसको यहाँ से ओपन कर ले और इसको सेट कर दे। इसके बाद डन दबाए। डन के बाद ये दूसरा जो आटो है दूसरा नंबर पर आपने इस पर क्लिक करना है और बारी बारी एक एक लफ्ज़ पर आपने इस निशान को लेके आना है और इसे फिर छोड़ना है। तो इसके जो अंदर का बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद आपने ऊपर जो डन लिखा है अपने इस पर क्लिक करना है और सेव करना है। सेव करने के बाद आपने फिनिश करना है। यहाँ से आपने काइन मास्टर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पर आना है। यहाँ पर आपने मीडिया पर क्लिक करके बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, ब्लैक बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने लेयर में मीडिया में जाना है और यहाँ से एक मज़ेदार इफेक्ट जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। इसकी सेटिंग करवाएं, फिर यहाँ से लेयर में मीडिया पर जाए और जो लिखाई आपने बैकग्राउंड इरेजर में की थी उसको यहाँ से सेट कर लें। देखिए इस तरह की सेटिंग आपने करनी है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ से इसको साउंड भी दे सकते हो, जो भी साउंड आपने चूज़ कर दिया वो आप यहाँ दे सकते हैं। इधर से मैं जो है वो ये टाइम टू ट्रेवल ये वाला साउंड में यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। अब देखिए इसको मैं प्ले कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ साउंड को। तो इसी तरह आप ये सेटिंग कर सकते हैं और ये देखिए बहुत मज़ेदार जो ये लिखाई का स्टाइल जो ये बन गया है। तो आप इस तरह के बैकग्राउंड में और भी इफेक्ट डाल के इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। फिर यहाँ से इसको सेव कर दें। ये सेव हो रहा है। अभी जब ये सेव हो जाएगा तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये किस तरह नज़र आएगा।
ये बहुत ही मज़ेदार ये एक एडिटिंग है काइन मास्टर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई गई तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। मैं यहाँ से इसको प्ले कर देता हूँ एमएक्स प्लेयर में। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार गए इफेक्ट बन चुका है। तो दोस्तों जो तरीका मैंने आपको बताया, अगर इसी तरीके से आप काम करेंगे तो इस तरह के और इफेक्ट्स भी आप बना सकेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी इफेक्ट से बन चुकी है। इस तरह आप भी बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से।